जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनुभव शुक्ला और हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो लेक्चर है वो हम लोग फोरियर की हाफ रेंज साइन सीरीज़ और कोसाइन सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यार, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और एक छोटा सा सवाल लेंगे और फिर इस सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग लगा लो, हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, ठीक है? तो यार, इसके नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है। जो हमारा फुल रेंज सीरीज था उसमें से सवाल को आधा काट दिया गया है। किसी भी जो हमारा फंक्शन होगा उस फंक्शन को या तो साइन सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा हम लोगों को, या कोसाइन सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी जो फंक्शन था हमारे पास, एफ एक्स जो था, वो फंक्शन साइन और कोसाइन दोनों में आ रहा था, दोनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा था। अब या तो वो साइन के टर्म में आएगा, केवल और केवल उसमें साइन के टर्म्स होंगे, या कोसाइन के टर्म होंगे, ठीक है? तो फार्मूला भी उसी हिसाब से बना हुआ है, ठीक है? बस अब इसमें क्या है, हम लोगों की जो लिमिट होगी वो लिमिट हमको पहचाननी होगी कि वो फुल रेंज सीरीज से है या हाफ रेंज सीरीज से है, ठीक है? तो डेफिनेशन इसकी हम लोग लिख लेते हैं, या इसका इंट्रो लिख लेते हैं। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन डिफाइंड, डिफाइंड इन द इंटरवल, डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस एल टू एल, ठीक है? द हाफ रेंज, द हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसाइन सीरीज इन जीरो टू एल इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स टू एन पाई एक्स बाई एल, सॉरी यहाँ पे एन पाई एक्स बाई एल। अब यहाँ पे एल क्या है, ठीक है? वहाँ पे हम लोग b माइनस ए करते थे तो b माइनस ए कुछ वैल्यू निकल के आ रही थी। जब यहाँ पे b माइनस ए करेंगे तो l केवल ही आएगा, तो l लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है? बाकी सब प्रोसीजर सेम ही है। क्या a नॉट जो था वो हमारे पास क्या था, 2 अपॉन b माइनस ए होता था, तो यहाँ पे l लिख देंगे। फिर लिमिट जो होगी वो 0 टू l होगी, एफ एक्स डी एक्स, एवरीथिंग इज सेम एज़ हम लोगों ने जैसे फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ था। अगर नहीं मिल रहा है तो ऊपर आई बटन दिखेगा, उसमें क्लिक करिएगा, डायरेक्टली आप लोग वहीं पे ही पहुंच जाएंगे, ठीक है? या सिंपली टाइप करिए इंजीनियरिंग अड्डा बाई अनुभव शुक्ला, आपको सीधे चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो ए एन होता था वो क्या होता था, 2 बाई एल, 0 टू एल, वहाँ पर होता था 2 अपॉन बी माइनस ए, तो यहाँ पर बी माइनस ए करेंगे तो एल ही आएगा। एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ये हमारा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज था। यहाँ पे हम लोग साइन टर्म नहीं लाएंगे, ठीक है? कोसाइन टर्म में हम लोग ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल तक ही चलेंगे। वहाँ पे ए नॉट हमको पता है, ए एन पता है, बस इतना ही करना है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए। साइन सीरीज के लिए केवल साइन वाला टर्म ले लेना है, ठीक है? तो दूसरा यहाँ लिख लेते हैं, हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है? तो हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला इसे हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल सिंपली। और बी एन हमको पता ही होता है, बी एन क्या होता है, टू अपॉन एल ज़ीरो टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई
एल टी एक्स, और यहाँ पे हमारा बाई पार्ट्स बहुत काम आने वाला है। तो चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग पीछे करा हुआ था वैसे ही चलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और कि हमें पता कैसे चलेगा ये कोसाइन सीरीज से है या साइन सीरीज से है, ठीक है। तो यार अगर फंक्शन इवन है, अगर फंक्शन इवन है तो जो सीरीज़ होगी वो कोसाइन सीरीज़ होगी, ठीक है। अगर फंक्शन इवन दिख रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर दिख रहा है या एक्स या कॉस एक्स दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, तो मैं मतलब कि एक हमें इवन फंक्शन दिखे तो वो हमारा सवाल जो होगा वो कोसाइन सीरीज़ का ही होगा। तो यहाँ पे रिमार्क लिख लेते हैं, ठीक है। तो रिमार्क ये है, इफ़ फंक्शन इज़ इवन देन सीरीज इज कोसाइन फोरियर सीरीज अदरवाइज साइन सीरीज, ठीक है। अगर इवन होगा तो कोसाइन सीरीज होगा, अदरवाइज हमारा साइन सीरीज होगा, ठीक है। तो अब यार एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उसमें हम लोग दोनों ही कर लेंगे, साइन और कोसाइन। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो इवन फंक्शन हो तभी हमारा कोसाइन सीरीज हो, वो चाहता है तो हो सकता है वो उसमें कुछ ऐसी कंडीशन डाल दे कि आपको साइन सीरीज़ भी बनानी पड़ जाए, ठीक है। तो हम ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें दोनों ही सीरीज़ कवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो सवाल लिख लो, फाइंड हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है इन 0 to π। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एक्स तो एक ऑड फंक्शन है तो इसमें साइन और कोसाइन कैसे निकलेगी। भैया मेरे वो कुछ भी निकलवा सकता है, ठीक है। वो तो मैंने एक आइडिया आप लोगों को दे दिया कि पहचानेंगे कैसे वो साइन सीरीज से है या कोसाइन सीरीज से है। अगर कुछ भी नहीं देता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज निकालनी है, तब तो फिर कुछ ना कुछ भी करके आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ जो कुछ भी नहीं दिया है वो कह दे केवल फोरियर सीरीज़ फाइंड करो, हाफ रेंज फोरियर सीरीज़, तब हमको पहचानना होगा कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है। तो अगर इवन है तो हमारा कोसाइन सीरीज से है, अदरवाइज साइन सीरीज से है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, तो हम लोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जीरो जो है वो ए की तरह काम कर रहा है, ये बी की तरह काम कर रहा है, यानी कि जीरो हो गया ये एल हो गया। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, पाई हो गया हमारे पास, ठीक, ख़त्म काम। अब हाफ रेंज फॉर हाफ रेंज फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल 0 to L इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स, हाफ रेंज फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स। मैंने यहाँ पे हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज लिख लो। यहाँ पे पहले हम लोग साइन सीरीज निकालते हैं फिर कोसाइन सीरीज निकाल लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू बी एन समेशन एन इक्वल्स टू 1 to ∞ बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, यही तो होता है। तो समेशन एन इक्वल्स टू 1 to ∞ बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, एल कितना है पाई, पाई से कट गया तो यहाँ पर बचा एन एक्स, ठीक है। अब हमको केवल और केवल बी एन की वैल्यू निकालनी है, तो बी एन क्या होता है 0 to L, यहाँ पे 2 by L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। तो 2 by π 0 to π एफ एक्स कितना है एक्स डॉट साइन एन पाई एक्स बाई पाई, पाई से पाई कट गया जो हमारे पास आया बचा साइन एन एक्स डी एक्स।
अब हमको केवल और केवल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और हमारा सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं इसका एक पार्ट कर रहा हूँ, एक पार्ट आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 2 अपॉन पाई 0 to π, लिमिट चल रही है हमारी, और यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट लगाते हैं, तो x साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन माइनस 1 माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, लिमिट 0 to π, इसको अगर ठीक से लिखें तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई x माइनस कॉस एन एक्स बाई एन प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर 0 to π। अब कॉस एन पाई होता है -1 to the power n और साइन एन पाई होता है 0, तो ये तो 0 हो गया टर्म हमारे पास। जो आया वो केवल ये आया, क्या आया, पाई -1 to the power n एन, पाई से पाई कैंसिल, एंड ये बना -2 -1 to the power n बाई एन, ये हमारे पास आ गया बी एन। अब डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूले पे उठा के रख दें और हमारा आंसर हो गया। तो एफ एक्स जो आ जाएगा वो ये होगा, क्या होगा, समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinite 2/L यानी कि 2 अपॉन पाई, सॉरी बी एन है यहाँ पे केवल, बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, तो समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinite बी एन आया था -2/n -1 to the power n साइन एन एक्स, ख़त्म कहाँ। ठीक है, अब ये चाहो तो इसको खोलो, अदरवाइज मत खोलो, सवाल यहीं पे ख़त्म कर दो। ठीक है, ऐसे ही हमारा कोसाइन सीरीज़ भी निकल आएगा, उसके लिए आपको केवल और केवल कॉस के टर्म्स लिखने होंगे। ठीक है, तब तक के लिए यार आज का लेक्चर यहीं पे था और मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसका अगला पार्ट आप लोग खुद करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बोलें, मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, और या हमारे जीमेल पे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।